नमस्कार यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08। बालोद जिले से रमेश चेलक की रिपोर्ट आ रही है। लॉकडाउन के बढ़ते समय को देखते हुए मजदूर भटक रहे रोजगार के लिए। यह समाचार बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले डोंडी लोहारा ब्लॉक से लगे गांव ग्राम पंचायत धन गांव का है। बढ़ते लॉकडाउन के समय को देखते हुए मजदूर काम के लिए भटक रहे हैं, मगर कलेक्टर के आदेश पर कुछ चीज़ों में छूट दिए जाने से लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। साथ ही ग्राम पंचायत धन गांव के सरपंच तोषण राम सुरेंद्र ने बताया कि लॉकडाउन के बढ़ते समय को देखते हुए लोगों को भारी समस्या। तोषण कुमार सुरेंद्र, ग्राम पंचायत धन गांव। सर, अभी कोरोना काल में कितने लोग दस मई 2021 से लेकर आज पर्यंत लॉकडाउन तो चल रहा है, अनवरत जारी है अभी, लेकिन इसके अंतर्गत ग्रामीणों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी रियायत दे करके कुछ छूट प्रदान करके दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके पूर्व जो समस्याएं आई है राशन पानी संबंधित, सब्जी भाजी के संबंधित, इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जहां तक कोविड वैक्सीन और कोरोना टेस्ट की बात करते हैं, तो वहां पर गांव के लोग अभी जो अफवाहों के चलते कोरोना का जो टेस्ट होना था वो नहीं करवा पा रहे हैं, और वैक्सीन भी उसी के अंतर्गत अफवाहों के कारण भय के कारण जो है वैक्सीन लगाने में भी अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। इस पर शासन को एकदम सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए कि हर वर्ग के लोग, गांव के हर व्यक्ति जो है कोरोना टेस्ट और कोरोना वैक्सीन से वंचित ना हो, इसके लिए शासन को एक ठोस पहल करनी होगी। सर, अभी जो राशन में चावल वितरण हो रहा है उसमें आकस्मिक अगर किसी का निधन हो जाता है जी, तो उसके बारे में आप, जहां तक गांव में अगर कोई राशन कार्ड धारी या उससे संबंधित सदस्य का निधन हो जाता है, तो घर वाले को सूचना ये दी जाती है कि आप जो है जैसे मृत प्रमाण पत्र बनता है उसकी कॉपी पंचायत में जमा करें, जिसके माध्यम से हम खाद्य विभाग के अधिकारी को उसके नाम को बांटने के लिए वहां तक प्रेषित करते हैं। लेकिन आज पर्यंत जो प्रेषित किया गया फॉर्म है उसमें कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। जहां तक अभी भी हमारे पास 32 ऐसे फॉर्म वहां पर जमा हो चुका है नाम जोड़ने का और नाम काटने का, जिसमें नाम जोड़ने वाला तो जुड़ गया है, लेकिन आज पर्यंत मृत व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से नहीं कटा है, उसका चावल आज पर्यंत आ रहा है। ये बड़े सोचने वाली बात है, जिससे कि राशन जो विक्रेता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जहां तक हो सके मैं आप सभी जनता से निवेदन करता हूं कि आप कोरोना टेस्ट बिल्कुल कराएं, किसी बात से घबराएं नहीं, अफवाहों में ना आए, और साथ ही साथ अभी जो कोरोना वैक्सीन का जो मुहिम चल रहा है सरकार का, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। कोरोना वैक्सीन 18 से 44 वर्ष का जो अभी दौर चल रहा है उसमें सभी युवा वर्ग और 18 से 44 वर्ष के बीच में आने वाले जितने भी महिला पुरुष युवा जवान मितान, सभी से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि वो वैक्सीन अवश्य लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें।